यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरुण यादव भी उसमें दावेदार है। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, ये अपन 3-4 बार इस विषय में बात कर चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, अब बिल्कुल निश्चित रही इस मामले में, और सरकार आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ही बनेंगे। सर, सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस की क्या राय है? भाई, सनातन धर्म आज का क्या, हजारों सालों से सनातन धर्म मध्य प्रदेश देश में कायम है। धन्यवाद। विधानसभा से सबसे ज्यादा दावेदारों की सूची एक लंबी लिस्ट वायरल हुई है, उसमें 2 महिला कोई लिस्ट वायरल नहीं हुई है। दावेदारों की सूची एक आई है, उसमें लगभग 20 प्रत्याशी हैं। ऐसे में कुछ कांग्रेस के नेताओं के सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुए हैं, क्या ऐसे में उन नेताओं पर कोई लिस्ट खेलेगी कांग्रेस? कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। चुनाव में टिकट मारने का अधिकार सबको है। कल उन्होंने 20 लोग तो मुझे मिले कल, ठीक है, पवई में मिले, तो ये तो उनका अधिकार है, और टिकट होने के बाद और इसलिए काम करेंगे। कुछ दिनों पूर्व माननीय कमलनाथ जी के साथ में पूर्व विधायक कुंदर चौधरी के कुछ समर्थकों द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया, जिसमें बासावा से आपका कांग्रेस में शामिल हुए जीवनलाल सिद्धार्थ के लिए 1 करोड़ में खरीदने की बात की गई। सब बकवास झूठी बात है। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।